स्टूडेंट्स, मैं गोविंद गोस्वामी, सर्वेयर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। मैं आज आपको बताऊंगा स्टडी ऑफ फ्लैलीमीटर। फ्लैलीमीटर से किस तरह से हम जो अनियमित आकृति होती है उसका एरिया निकालते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। आइए देखिए, इसमें आप देख रहे हो ये फ्लैलीमीटर है, ये आपको इसमें वीडियो में दिख रहा है फ्लैलीमीटर। अब देखिए इसके पार्ट, देखिए आप फ्लैलीमीटर में ये जो साइड दिख रही है आपको, ये वाली ठीक है, ये होता है इसका ट्रेसिंग आर्म होती है ये, और ये होता है ट्रेसिंग पॉइंट। जो दूसरी इसकी साइड होती है ये वाली, ये इसकी एंकर आर्म होती है, और ये होता है इसका एंकर पॉइंट। ये पॉइंट फिक्स होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए इसमें, आप ये दो स्क्रू देख रहे हैं, ये दोनों, तो ये जो वर्नियर पैमाना होता है इसके ऊपर, ये वर्नियर पैमाना, ये जब इसको लूज़ कर देंगे हम तो ये पैमाना इस पर आगे पीछे होगा। इस पैमाने को हम फिक्स करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक इंडेक्स होता है। देखिए इधर देखिए आप, इसमें आप टेबल में देख रहे हैं 1:1, इसकी रेटिंग है 14.30। तो ये जो आपका वर्नियर है इस समय, ये 14.30 पे सेट है, क्योंकि हमारा जो ये स्केल है इसका है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो देखो, ये आप देख रहे हो आकृति, देख रहे हो ये आकृति, ये अनियमित टेढ़ी मेढ़ी आकृति है, इसका हम फ्लैलीमीटर से एरिया निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक इनिशियल पॉइंट, यहाँ देखो ये पॉइंट, ये इस पर हमने लगा लिया, इसको बोलते हैं IR इनिशियल पॉइंट। ये पॉइंट लगाने के बाद में हम इसको 0 पे सेट कर लेंगे। देखो सबसे पहले डिस्क देख रहे हो आप, ये डिस्क दिख रही है आपको, ये डिस्क, ये 0 पे सेट है। इसके बाद आप देखिए इसका ये ड्रम होता है, ड्रम ये भी 0 पे सेट है, और जब वर्नियर है 0 पे आ रहा है, तो इसकी रीडिंग हो गई 0.00 IR की रीडिंग हो गई। तो इसमें आप ये देख सकते हो कि ये होती है इसमें डिस्क, इस डिस्क में 0 से लेकर 10 तक निशान होते हैं, ये इसका ड्रम होता है, और ये होता है इसका वर्नियर पैमाना। जब ये ड्रम एक पूरा चक्कर करता है तो ये जो आपका, जो देखो डिस्क का जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट आगे हो जाएगा, ठीक है, 0 से 1 पे आ जाएगा, 0 से 9 पे आ जाएगा। तो अब हमने इसमें ये इनिशियल पॉइंट हमने लगा लिया है, अब इससे हम एरिया देखो कैसे निकालते हैं। तो आप देखिए इसको हम मैप के ऊपर घुमाएंगे, ट्रेसिंग जो हमारा पॉइंट है इसको, इस बाउंड्री पे इस तरह से इसको हम घुमाते जाएंगे, देखो ऐसे घुमाते जाएंगे, और घुमाते घुमाते जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वापस उसी पॉइंट पे हम इस पर आ जाएंगे। देखो आप ऐसे घुमाते जाएंगे इस तरह से, ये हमारा मैप घूम रहा है इस पर, और घूमते घूमते आप देख रहे हो उसको, उसी पॉइंट पे हम इसको वापस ले आएंगे, ठीक है। इस तरह से हम चलते रहेंगे, और ये हमारा देखो वापस से जो इनिशियल पॉइंट है ये इसमें आ गया है। तो इससे में जो हमारी रीडिंग होगी ये होगी फाइनल रीडिंग FR। इस रीडिंग को हम नोट करेंगे, आइए देखिए किस तरह से हम इस रीडिंग को नोट कर। देखिए रीडिंग, आप देखो सबसे पहले रीडिंग हमारी इस डिस्क पर आएगी, ये पॉइंट आप देख रहे हो 5 और 6 के बीच में है, ये 5 और 6 के बीच में है, तो ये रीडिंग आ गई हमारी 5, ठीक है। इसके बाद इधर आओगे आप ड्रम पे देखोगे तो आप यहाँ देख पा रहे हो 6 और 7 के बीच में है, तो हमारी रीडिंग हो गई 5.6, और 6 के बाद 2 छोटे खाने हैं तो 5 पॉइंट हो गई 6.2। उसके बाद जो वर्नियर पैमाना है इसका जो चौथा खाना मिल रहा है, तो हमारी टोटल रीडिंग हो गई 5.624। देखिए यहाँ हम लिख देंगे इस रीडिंग को, जो फाइनल रीडिंग है 5.624, ठीक है। अब देखो जो हमारा फार्मूला है उसको हम देखते हैं, देखो ये एरिया का फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू M(FR-IR) ±10N+C। तो इसमें M जो है ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 100 है, और जो FR है, जो फाइनल रीडिंग है जो हमारी ये आई थी 5.624, ये हो जाएगी, और जो IR है इनिशियल रीडिंग है ये हमारी आई थी
0.000 वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। प्लस माइनस टेन एन, एन का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट हमारा, ये वाला पॉइंट, ये जीरो को जितनी बार क्रॉस करता है, एक बार करता है, दो बार करता है, उतनी एन की वैल्यू होगी। अगर ये क्लॉकवाइज क्रॉस करता है तो यहाँ आ जाएगा प्लस का निशान, और एंटी क्लॉकवाइज क्रॉस करता है तो ये आएगा माइनस का निशान, ठीक है। टेन एन प्लस सी, सी हमारा कॉन्स्टेंट। अब ये जो हमारा मैप था, इसमें जो हमारा ट्रेसिंग पॉइंट था, इसको हमने मैप के बाहर रखा था, तो इसमें तो हमारा सी जीरो होगा। अगर ये पॉइंट, ट्रेसिंग पॉइंट नक्शे के अंदर होता है, मैप के अंदर होता है, तो सी की वैल्यू हम जो याद करते हैं, देखो इसमें देखो आप ये दे रखा है, कॉन्स्टेंट लिख रहा है सी 23.13, तो उस समय जो सी की वैल्यू आ जाएगी 23.13, लेकिन चूँकि हमारा जो एंकर पॉइंट था ये बाहर था, इससे ये हमारी सी की वैल्यू जीरो होगी। इससे हम इसका एरिया निकाल लेंगे, हमारा स्केल था 1:1, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो इस तरह से इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, और ये मीटर में है तो इसका एरिया मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो इस तरह से प्लानीमीटर से जो अनियमित टेढ़ी मेढ़ी आकृति होती है उसका हम एरिया निकालते हैं। ओके, थैंक यू।